टॉपलिंग का मतलब है कि जब कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, ऑब्स्टेकल आ गया और बॉडी क्या कर गई, टॉपल कर गई, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है, सरफेस का म्यू 0.2 है, तुमने फोर्स 15 न्यूटन लगा दी, बोलो बॉडी स्लाइड करेगी या टॉपल करेगी, ये क्वेश्चन है। बस वैल्यू इतनी दे रहा हूँ, और क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन है। अब देखो कितनी कम इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ म्यू दे दिया, साइड ऑफ क्यूब दे दिया, और ये पूछ लिया बॉडी टॉपल करेगी कि नहीं करेगी, बस ये बता दो। तो इसके लिए ना एक कंडीशन बनानी पड़ेगी थ्योरी में, और कोई तरीका नहीं है। पहली टॉपलिंग की कंडीशन ये है, जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, ये लो एक क्यूब है, तुमने इस क्यूब को मूव करवाया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, देखो स्लाइड करेगी, सरफेस में फ्रिक्शन है, बिल्कुल टॉपल कर सकती है, बहुत फ्रिक्शन पे तो ये पलट भी सकती है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब ये टॉपल करेगी, ध्यान से देखना, जब ये टॉपल करेगी तो ये वाला हिस्सा इसका ऊपर उठ जाएगा, जब पलटने लगेगी ना तो डायग्राम ऐसा सा बन जाएगा, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन, जो ब्लैक कलर की बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन यहां एक्ट करता था, अब वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी बॉडी तो हवा में आ गई, सिर्फ एक पॉइंट रह गया कॉन्टैक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होके कहां पे हो जाएगा, बिल्कुल कोने पे हो जाएगा, क्लियर है। तो ये देखो, सपोज करो ये एक बॉडी है, इस बॉडी को आपने टॉपल करवाना है, क्या पता करे ना, क्या पता ना करे, क्या पता स्लाइड ही करती हुई चली जाए, क्या पता पलट जाए, देखते हैं कैसे होगा। तो आपने एफ फोर्स लगाई, एच हाइट है और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन बिना टॉपल भी नहीं होना, फ्रिक्शन ही हेल्प करेगी, ये बॉडी हवा में उठेगी। पहले नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे था, पर जैसे जैसे ये उठती जा रही है हवा में, उठती जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन राइट 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 शिफ्ट हो रहा है, अभी ये ए डिस्टेंस पे, और थोड़ी देर में ये बिल्कुल कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा हिस्सा हवा में उठ गया। अब बात ये है कि पलटेगा या नहीं पलटेगा, वो बात अलग है, एक बार तो उसको हवा में उठना पड़ेगा, सही है। बस मुझे ये बताओ, जब एक्सिस यहां पे शिफ्ट हो गया, ये लो यहां पे आ गया, कौन सी फोर्स इसको क्लॉकवाइज टॉपल करने की कोशिश कर रही है, एफ, क्योंकि एफ फोर्स कितना टॉर्क लगा रही है, एफ इंटू एच फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको कैसे घुमा रही है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन बचाएगी, फ्रिक्शन। तो ऐसा है ना, जब भी बॉडी हवा में आ गई, फ्रिक्शन तो बस यहीं रहेगी लगी हुई, यहां तो हवा में आ गई, फ्रिक्शन एक्सिस पे शिफ्ट हो गई, फ्रिक्शन टॉर्क जनरेट नहीं कर सकती, ऐसा है, फ्रिक्शन ने उसको हेल्प किया उठाने में। अब जब बारी है पलटने की, फ्रिक्शन का एक्सिस यही हो गया ना, वो तो घूमने का एक्सिस भी वही है, वो तो फ्रिक्शन ने टॉर्क जनरेट करना ही नहीं, अब तो उठा दिया, अब खत्म हो गई। अब बात है तुम्हारी फोर्स की और एमजी की, ग्रेविटी, इसका भार अगर ज्यादा हुआ तो ये पलट नहीं पाएगी, हो सकता है हवा में उठ जाए फिर नीचे गिर जाए, स्लाइड ही करनी शुरू कर दे, तो वेट भी टॉर्क जनरेट करेगा, और वेट कितना टॉर्क जनरेट करेगा, एम जी इंटू L/2। अब कॉम्पिटिशन सिर्फ दो ही टॉर्क का है, एक टॉर्क कौन सा हुआ, एक टॉर्क हुआ एफ इंटू एच और एक टॉर्क हुआ एम जी इंटू L/2। मिनिमम कंडीशन टॉपलिंग की क्या होगी, मिनिमम कंडीशन ये होगी, तुम्हारा एफ इंटू एच का टॉर्क एम जी इंटू L/2 के टॉर्क के बराबर हो गया या उससे बड़ा हो गया, तो मिनिमम फोर्स टॉपलिंग की एफ टॉपल है, जिससे बॉडी टॉपल हो जाएगी, तो टॉपलिंग की फोर्स ये रही। तो अगर तुम्हारी फोर्स इसके इक्वल है तो तुम्हारी बॉडी टॉपल हो जाएगी, सही है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो नहीं समझ में आता या कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो ये पॉइंट है, पॉइंट ये है कि तुम्हें फोर्स ऑफ टॉपलिंग पता लग गई, इतनी फोर्स है वो टॉपल हो जाएगी। अब तुमने जो फोर्स लगाई वो क्या लगाई, एफ स्लाइडिंग, देखो एफ स्लाइडिंग फोर्स अलग है, टॉपलिंग अलग है, टॉपल मीन्स पलटने की फोर्स, स्लाइडिंग तो कम फोर्स पे भी होती है, क्योंकि स्लाइडिंग फोर्स क्या है, आपको सिर्फ किसको ओवरकम करना है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की फोर्स ही स्लाइडिंग फोर्स है। तो अगर आपकी स्लाइडिंग की फोर्स कम हुई टॉपलिंग से, स्लाइडिंग की ये फोर्स है, टॉपलिंग की ये फोर्स है, सॉल्व करके म्यू क्या आ गया, L/2H। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब आपकी स्लाइडिंग की फोर्स टॉपलिंग की फोर्स से कम है, तो आंसर में पता हूं क्या लिखना है, ब्लॉक विद स्लाइड फर्स्ट। अब ये कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, कैसे, डाउट ये पूछते हैं, सर टॉपलिंग की फोर्स बड़ी है,
और आप कह रहे हो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्लाइडिंग पहले होगी, ये क्या चक्कर है, जबकि टॉपल होनी चाहिए थी, राइट? इसका आंसर क्या है? लिखा मैंने ठीक है, पक्का? ये मैंने कैसे लिखा? मैंने ये कहा टॉपलिंग की फोर्स बढ़ी है स्लाइडिंग की फोर्स से, तो बॉडी स्लाइड करेगी। ये लो बोलो कैसे? ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अलमारी को पुश करना है, पुश करना आसान है या पलटना ही आसान है? पलटना आसान मतलब तुम एक ही बारी में ऐसे कर दोगे, हिलाओगे नहीं, बस घेर दोगे? नहीं यार, स्लाइड देखो, स्लाइडिंग की फोर्स हमेशा, स्लाइडिंग की फोर्स हमेशा कम है, एम जी इंटू म्यू टाइम एम जी की फोर्स ना कम होती है टॉपलिंग से, ये ना स्लाइडिंग की फोर्स हमेशा टॉपलिंग से कम ही होती है। तुमने फिजिक्स का पेपर दिया और 90 नंबर लेने का मतलब तुमने टॉपल कर दिया, और 33 का मतलब तुमने स्लाइड किया है, बस घिसड़ घिसड़ के पास हुए हो। तो पहले तो तुम्हें घिसड़ना पड़ेगा पेपर में, 33 नंबर तो लेने पड़ेंगे, तब जाके तुम टॉपल करोगे। तो पहले जब तुम फोर्स को बढ़ाओगे 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, तो पहले 33 आएगा। स्लाइडिंग की फोर्स इज ऑलवेज लेस देन टॉपलिंग। टॉप करना मुश्किल है भाई, टॉपल करना मुश्किल है। अब वही तो मैं कह रहा हूं, आपकी स्लाइडिंग की फोर्स हमेशा टॉपलिंग से कम है और ये कंडीशन ट्रू है, तो अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो स्लाइडिंग की फोर्स कम है टॉपलिंग ज्यादा है, तो बॉडी स्लाइड पहले करेगी, क्योंकि जब तुम फोर्स लगाओगे पहले बॉडी की क्या होगी, स्लाइडिंग, और जब तुम फोर्स बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगी, टॉपलिंग। तो स्लाइडिंग की फोर्स पहले आती है, टॉपलिंग की फोर्स बाद में आती है। तो अगर तुम्हारी फोर्स कमजोर है तो तुमने लिखना है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग की फोर्स कम है टॉपलिंग से। फ्रिक्शन का रोल क्या है? वो तो म्यू से कर ही लिया हमने सॉल्व, एफ इनटू, ये रहा फ्रिक्शन। अच्छा वो यही तो कह रहे हैं कि फ्रिक्शन की फोर्स कैलकुलेट कर लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है म्यू टाइम एम जी, जब वो पहले ही थी, तो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते कमजोर है आपकी टॉपलिंग की फोर्स से, ठीक? तो फोर्स ऑफ टॉपलिंग इज ग्रेट। देखो ये कंडीशन हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है, टॉपलिंग की फोर्स तो सदा ही स्लाइडिंग की फोर्स से बड़ी ही होगी। तो जब तुम्हारा क्वेश्चन, और मैंने ये कंडीशन भी बना ली कि अगर मान लो आपकी फोर्स स्लाइडिंग की कम है, मतलब आपकी फोर्स टॉपलिंग की फोर्स से कम है, टॉपलिंग की फोर्स तो 90 है, तुमने क्या अप्लाई किया, 80, तुम्हारी फोर्स क्या है 80, तो बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट। तुमने अप्लाई किया 70, बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट। तुमने अप्लाई किया 92, बॉडी विल टॉपल। ये ऐसा है, तो ये जो कंडीशन है वो ये बताती है, ये कंडीशन का मतलब स्लाइडिंग की फोर्स कमजोर है टॉपलिंग की ज्यादा है, तभी बनी। तो स्लाइडिंग जब तुम फोर्स बढ़ाओगे तो तुमने बस ये कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि ये कंडीशन का मतलब स्लाइडिंग तो कमजोर ही है टॉपलिंग से। मैं करके दिखाता हूं, जैसे ये मान लो आपको एक क्वेश्चन आया हुआ जो पेपर में मिलेगा, आपने एक बॉडी पे एफ फोर्स लगाई और ए डिस्टेंस है, एच हाइट है। क्वेश्चन है कि जब ये बॉडी टॉपल करेगी तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा? तो ये तो सिंपल है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, एट पॉइंट ए। अब समझ में आ रहा है कैसे ये आंसर देना है? और असली क्वेश्चन ये आया हुआ है, अगर एक क्यूब है जिसका एज ए है एंड म्यू इज इक्वल टू 0.2 है, एक क्यूब लिया, म्यू गिवन है, बॉडी बोलो स्लाइड करेगी कि टॉपल करेगी? देखो ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया, बस म्यू दिया और साइज दिया, बोलो अब बोलो बॉडी टॉपल करेगी क्या करेगी? तुम्हारे पास कंडीशन क्या है कि बॉडी स्लाइड तब करेगी अगर म्यू लेस देन L/2H है। और तुम्हारे इस क्वेश्चन में जो क्यूब है, जो ये फिगर यही है, फिगर यही है, जो क्यूब है वो ए और ए हो गया, एफ फोर्स आपने लगाई और क्यूब में एच और ए बराबर है, तो तुम इसमें स्लाइडिंग की कंडीशन क्या लगाती हो, म्यू लेस देन L/2H, यानी कि ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ए से ए कट गया कितना, हाफ। तो अगर आपका म्यू 0.5 से कम है तो बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट। अब चेक कर लें, अब आपके क्वेश्चन के अंदर म्यू कितना गिवन है, 0.2, म्यू गिवन है 0.2, और हमने कंडीशन से क्या निकाला, 0.5। तुम्हारा म्यू 0.2 0.5 से कम है, इसका मतलब फ्रिक्शन कम है, इसका मतलब फ्रिक्शन कम है, इसका मतलब बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट। टॉपल कैसे करेगी, टॉपल तो तब करेगी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, स्लाइड फर्स्ट तो स्लाइड है, टॉपलिंग का सोच भी कह सकते हो, फ्रिक्शन तो घुमाने वाला है उसे, कैसे पलटेगी कैसे, फिर लॉजिक दो वो फिर स्लाइड करवाएगी, फ्रिक्शन है नहीं तो खेल खत्म, कुछ भी नहीं होगा फिर। तो देखो शुरू में फ्रिक्शन काम कर रहा है,
फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है, जब ऐसे काम करेगा तो बॉडी को उठाएगा, अगर फ्रिक्शन होगी नहीं तो बॉडी सीधी चली जाएगी।